नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स। STET के अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि BSEB के द्वारा जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। सितंबर महीने में परीक्षा आयोजित की गई थी और अब परीक्षा के मात्र 15 दिनों के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है और रिजल्ट को रिलीज किया है। वहीं आपको बता दें कि अभ्यर्थी जो है BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, तो आपको वेबसाइट भी बता देते हैं। साथ ही आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर कितने बच्चे जो है सफल हुए हैं। जी हां, आपको बताएं कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो है इस परीक्षा में सफल हुए हैं। वो इंतजार कर रहे थे परीक्षा देने के बाद कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन आज यानी कि 3 अक्टूबर को जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको रिलीज किया है। बता दें कि बिहार बोर्ड ने STET का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब परीक्षार्थी बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2023 का रिजल्ट जो है BSEB STET.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही आप बता दें कि STET की परीक्षा में कुल 79.78% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस परीक्षा में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट घोषित किया है। गौरतलब है कि ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली गई थी और 4 से 18 सितंबर तक यह परीक्षा चली थी। 15 दिनों के अंदर ही परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं इतिहास रचता जा रहा है। बता दें कि लगातार जो BSEB है यानी कि जो बिहार बोर्ड है, परीक्षा कराने के कम समय के अंदर ही जो है रिजल्ट घोषित कर दे रहा है। और एक बार फिर से BSEB की तरफ से ये जो एक बड़ी उपलब्धि मान लीजिए वो कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 15 दिनों के अंदर ही BSEB ने STET के जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए हैं। जो अभ्यर्थियों का जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। इसी को लेकर आपको बता दें कि पेपर 1 की बात कर ले तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर कुल 4,18,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे इस परीक्षा में। हर दिन जो है 2 पाली में परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर 1 में 1,98,783 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो वहीं पहली पाली में पेपर 1 में जो है 9वीं और 10वीं और तो दूसरी पाली में पेपर 2 11वीं और 12वीं की परीक्षा हुई थी। पहली बार जो है STET में 146 विषयों की जो है परीक्षा ली गई थी। तो आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थी STET की परीक्षा में बैठे थे वो इंतजार कर रहे थे आखिर रिजल्ट कब आएगा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही BSEB की तरफ से कहा गया था कि रिजल्ट जो है 3 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी ने राहत की सांस ली थी और एक बार फिर आपको बता दें कि आज जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। जो STET के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने STET की परीक्षा दी थी उनका इंतजार खत्म हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में पास हुए हैं। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।